सीधे रुख करते हैं यूपी विधानसभा का। यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान विद इन ब्रैकेट 126वां संशोधन विधेयक 2019 द्वारा किए जाने हेतु प्रस्तावित अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतु के खंड घा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भारत का संविधान में संशोधन का अनुसमर्थन करता है। मानवर भारत के संविधान में संसद धर्म या समुदाय के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है, परंतु तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के आशय से सीमित अवधि के लिए अनुच्छेद 334 के द्वारा विधायिका में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। मानवर ये तब से लेकर लगातार 10-10 साल के लिए संविधान में संशोधन करके ये आरक्षण की अवधि बढ़ाई जाती रही। अभी तक वर्तमान परिस्थिति यह है कि गत 70 वर्षों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वे कारण जिनसे स्थानों के पूर्वोक्त आरक्षण के संबंध में अभी तक विद्यमान है, जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय के जो कारण थे, अभी तक पूरी तरीके से हम इसको ओवरकम नहीं कर पाए। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो गैर बराबरी के आधार के ऊपर इन लोगों को आरक्षण दिया गया था, हम पूरी तरीके से उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाए, वो गैर बराबरी पूरी तरीके से दूर नहीं कर पाए। इसलिए माननीय इस व्यवस्था को आगे 10 वर्षों के लिए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में जो स्थिति है वो 25 जनवरी 2020 तक का आरक्षण है, और ये एक संवैधानिक व्यवस्था है कि पहले संसद से पास होगा और फिर जैसा कि मैंने उसमें उल्लेख किया है कि 368(2) के तहत देश की 50% विधानसभाओं से इसका अनुमोदन है होना है। आज उसी अनुमोदन के लिए मैं आपके समक्ष ये प्रस्ताव रखता हूँ। हमारा और हमारे दल का ये विश्वास है कि हर तरह से जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग किसी न किसी रूप से सामाजिक में बराबरी का दर्जा हासिल नहीं कर पाए, उन लोगों को वो स्थान मिलना चाहिए कि जो अभी तक नहीं मिल पाया। और इसी उद्देश्य से मान्यवर हमारी पार्लियामेंट ने इसको सर्वसम्मत से पास किया, और हम आज ये संकल्प आपकी अनुमति से इसीलिए विधानसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं कि आगे आने वाले 10 साल के लिए इसको पुनः पारित करके लागू किया जाए। और मैं समझता हूं कि इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है, सभी लोग इससे सहमत हैं मन से, वचन से और कर्म से। इसलिए माननीय इसको पारित किया जाए, ये मैं प्रस्ताव करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कृपया बैठें। आप बैठें। माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल का कोई विरोध नहीं कर सकता, हम सब लोग इसके समर्थन में हैं। जैसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हमेशा 10 साल के बाद इसको रिन्यूअल किया जाता रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो केवल 2-4 मैं सुझाव देना चाहता हूं। संशोधन का अधिकार तो यहां नहीं हमको विधानसभा में, लेकिन मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध है कि जो एंग्लो इंडियन का इसमें से निकाल दिया गया है, ये तो पास हो गया, अलग से एक प्रस्ताव बना करके कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की यह मंशा है कि जैसे हमेशा एंग्लो इंडियन को रखा गया है, फिर से पुनः उस पर विचार करके उसको रखा जाए। दूसरा ये मेरा सुझाव है श्रीमान, जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा भी, गैर बराबरी जो आरक्षण की व्यवस्था है साक्षरिया को नौकरियों में, अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग का, विधानसभा उत्तर प्रदेश भी एक
प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजे कि इनका नौकरियों में और शिक्षा संस्थाओं में और प्रतिशत बढ़ाया जाए, अनुसूचित जाति जनजाति का भी और पिछड़े वर्ग के लोगों का भी। तीसरा मेरा सुझाव है श्रीमान आपके माध्यम से, इस विधानसभा में कई बार पारित हुआ है, लागू नहीं हुआ, क्योंकि जो इसमें पारित हुआ उस दल का केंद्र में सरकार नहीं थी। अब संजोग की बात है कि जो यह सरकार है केंद्र बिजली की सरकार है, जो 17 अति पिछड़ी जातियों का रिजर्वेशन का मामला है उसका भी सदन सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास करे और केंद्र सरकार से आग्रह करे कि इनके आरक्षण को भी लागू किया जाए। श्रीमान इसमें बहुत कोई गुंडाइश नहीं है, ये मेरा सुझाव है। हमने पहले ही कहा कि विधेयक पास, उसके बाद मैंने अपना यह सुझाव दिया है और इसलिए दिया है कि आज तक है तो लेकिन उनका आरक्षण की अनदेखी होती रही है। संसदीय मंत्री जी, आप जितनी भी नियुक्तियां आपके सरकार में हुई है एक भी आरक्षण अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग का लागू नहीं हुआ। ऐसा बुद्धि से आप लोग उसको कर रहे हैं कि उसमें मने नहीं ये जो तो उसको भी जो नियुक्तियां हो, अगर वास्तव में इस विधेयक जो आप लेके आए हैं मनसा साफ हो, है ही तभी तो लेके आए हैं, तो अब जो नियुक्तियां हो उसमें अनुसूचित जनजाति तो पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण मिले, उनको नौकरी मिले, इन्हीं सुझावों के साथ मैं बिल का पुरजोर तरीके से अपने दल से विपक्ष की तरफ से मैं समर्थन करता हूं। देखिए अध्यक्ष जी, एक एक बहस इस बात पर होना चाहिए कि विषय से हटके सबसे ज्यादा कौन बोल सकता है। विधानसभा में यह बहस जरूर एक दफे करवा दीजिए इसको भी, और उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष को शीर्षस्थ जो पुरस्कार हो सकता है वो दिलवा दीजिए। कहा कि पास, उसके बाद सुझाव भी नहीं सुने गया। नहीं, सुझाव नहीं सुनेंगे, सुझाव दूसरे समय पर आप देना। सुझाव तो हमारा सुनिए, और आप व्यक्तिगत मित्र हैं, मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बगलगीर हैं, जितना मैं बात कहा हूं उसको इस सदन से पास करवा कर कभी सदन बैठे। अब आप माननीय वर्मा जी को बोलने दीजिए, केंद्र में भेजिए, वर्मा जी को बोलने दीजिए। माननीय, हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए जो व्यवस्था 334 के अंतर्गत किया था, अनुच्छेद 334 में, जिसमें उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए उनकी आबादी के अनुपात में विधानसभा और लोकसभा में सीटों का रिजर्वेशन किया गया था। निश्चित रूप से इसके पहले 2009 में भी इसको बढ़ाया गया था 10 साल के लिए, 1999 में भी उसके हर साल 10-12 विधानसभा में प्रस्ताव आया और सर्वसम्मत से इसको पास किया गया। हम और हमारा दल पूर्ण रूप से इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल इन विशेष सत्रों के माध्यम से समाज से जुड़ी हुई और राष्ट्र से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया है जो सपना इस देश के संविधान निर्माताओं का था, जो सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। तीसरी बार इस वर्ष में हम लोग विशेष सत्र के रूप में बैठ रहे हैं और तीनों बार विधायिका के चर्चा के मुद्दे वही थे जो पूज्य बापू ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, या इस देश के संविधान निर्माताओं ने, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अपेक्षा इस देश के विधायिका से किया था और इस देश के संविधान के माध्यम से उन भावनाओं का विधायिका में गया हुआ एक हर प्रत्येक व्यक्ति कर सके। वर्ष 2019 का जब ये अंतिम दिवस है
और इस अवसर पर हम विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधित्व को फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए अपनी समर्थन दे सकें। इस दृष्टि से वर्ष 2019 उत्तर प्रदेश विधानमंडल की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और समृद्ध माना जाएगा। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विधायिका से जुड़े हुए अपने दोनों विधानमंडल दल से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। देश का संविधान जब बन रहा था उस समय इस बात पर चर्चा हुई थी कि देश धर्म के आधार पर मत या मजहब के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं देगा, लेकिन सैकड़ों वर्षों से जिन लोगों की आवाज को दबाया गया था, जिन लोगों की भावनाओं को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ने दिया गया था, उन लोगों को विधायिका में प्रॉपर स्थान प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से देश के अंदर 1959 में आठवां संशोधन संविधान का आठवां संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 334 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण को जो संविधान में द्वारा प्रदत्त था उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, क्योंकि महसूस किया गया था कि जितना अपेक्षित विकास और प्रतिनिधित्व इस तबके को प्राप्त होना चाहिए वह नहीं हो पाया था। आजादी के बाद इस देश के संविधान के अनुरूप प्रत्येक तबके को शासन की योजनाओं का लाभ देने, समाज में और राष्ट्र में विकास की मुख्य धारा के साथ बिना भेदभाव सबको जोड़ने का एक सार्थक प्रयास भी प्रारंभ हुआ। हर एक स्तर पर ये योजनाएं आगे बढ़ी और उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए फिर ये महसूस होता रहा कि हर 10 वर्ष में हम विधायिका में अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस विषय पर चर्चा कर सके। और आज संविधान का 126वां संशोधन जो विधेयक है जिसके अनुसमर्थन में आज हम सब यहाँ पर इस विशेष सत्र के माध्यम से इसे अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह उन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य है कि आगामी 10 वर्ष के लिए, क्योंकि विधायिका में यह समर्थन यह जो रिजर्वेशन है यह 25 जनवरी 2020 तक ही है।